झारखंड में एलएस सुबाईडी की दबिश से हड़कंप मच गया है। रांची, धनबाद, दुमका, गोड्डा सहित राज्य के 32 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी है। रांची स्थित राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर राव के निजी आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची। मंत्री के आवास पर ईडी की दबिश से हड़कंप मच चुका है। खबर यह है कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के निवेश को लेकर ईडी की टीम मंत्री के आवास पर पहुंची है। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की कंपनी में मंत्री के बेटे के निवेश को लेकर ईडी ने ये छापा मारा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की आंच झारखंड तक पहुंच गई है। मंत्री के आवास पर ईडी के इस छापेमारी से हड़कंप मच चुका है। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नीरज सीधा रामेश्वर राव आवास से जुड़े हुए हैं। नीरज, आप वहां आवास पर जुड़े हुए हैं। आज मंत्री वित्त मंत्री रामेश्वर राव के आवास पर ईडी ने छापा मारा है, इस पर क्या जानकारी है, क्या मुद्दा है और किस वजहों से ये छापेमारी पड़ी है? देखिए, अभी मैं वित्त मंत्री रामेश्वर राव के आवास के बाहर हूँ। आपको बता दूं कि ईडी की छापेमारी चल रही है। झारखंड के कई जिलों में बताया जा रहा है कि 32 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और ये छापेमारी जो चल रही है वो शराब घोटाले मामले में चल रही है और इसमें जो वित्त मंत्री के बेटे हैं रोहित उरांव उनका भी नाम सामने आ रहा है और रामेश्वर राव के आवास पर छापेमारी चल रही है। ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहीं तीन ईडी की टीम यहां पर पहुंची हुई है और सुबह 6 बजे से ही यहां पर छापेमारी चल रही है और बताया जा रहा है कि जो शराब का टेंडर यहां दिया गया था छत्तीसगढ़ और दिल्ली के तर्ज पर, उस मामले में जो है ये पूरी जो है छापेमारी चल रही है और क्योंकि लगातार जो है आरोप लग रहा था कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ है उसी तरह से झारखंड में भी लगभग 200 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है और इसको लेकर जो है झारखंड के विभिन्न जिलों में छापेमारी की जा रही है और रामेश्वर राव जो कि वित्त मंत्री है उनके बेटे पर भी आरोप लगा है और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है योगेंद्र तिवारी से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि ये टेंडर योगेंद्र तिवारी को मिला था और योगेंद्र तिवारी के साथ साथ कई लोग इसमें शामिल हैं और उनके जो कह सकते हैं ठिकानों पर भी छापेमारी फिलहाल जो है चल रही है। और आपको बता दूं कि इससे पहले जो तत्कालीन सचिव रहे थे विनय चौबे, 22 अप्रैल को उन्हें ईडी ने समन कर छत्तीसगढ़ बुलाया था और छत्तीसगढ़ में उनसे पूछताछ की गई थी और उसके बाद से लगातार जो है मामला ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर यहाँ पर भी शराब घोटाला किया गया है और आज कह सकते हैं कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य के लगभग 32 ठिकानों पर छापेमारी की है जिसमें जो मुख्यतः जो नाम सामने आ रहा है वो योगेंद्र तिवारी का है और योगेंद्र तिवारी से ही जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनके आवासों पर ठिकाने और कह सकते हैं कि छापेमारी चल रही है। और आपको बता दूं कि धनबाद के साथ साथ देवघर, गोड्डा, दुमका जिलों में भी छापेमारी चल रही है तो कह सकते हैं कि ईडी की ओर से जो है अभी फिलहाल छापेमारी की जा रही है और ये पूरा मामला जो है शराब घोटाले से जुड़कर देखा जा रहा है और उनसे जितने भी जुड़े लोग हैं उनके आवास पर उनके ठिकानों पर फिलहाल जो है छापेमारी चल रही है। काजल जी, नीरज, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की आंच अब झारखंड तक पहुंच गई है, मंत्री के आवास पर ईडी अब छापेमारी कर रही है, उस पर आप क्या को जानकारी देना चाहेंगे? उनके बेटे हैं रोहित उरांव, उनका कहीं ना कहीं इसमें नाम सामने आ रहा है और उसी को लेकर जो है ईडी की टीम आज सुबह 6 बजे यहां पर पहुंची हुई है और अंदर अभी मौजूद है और छापेमारी की जा रही है और कह सकते हैं कि उन जो मामला लगातार सामने आ रहा था उन मामलों को कहीं ना कहीं उजागर करने की कोशिश की जाएगी कि क्या सच में उनकी जो संलिप्तता है ये उसमें शामिल है और या फिर ये कह सकते हैं कि जो नाम सामने आ रहे थे जिसमें रोहित उरांव का नाम भी शामिल है, क्या रोहित उरांव भी इसमें शामिल हैं या फिर क्या
जो आरोप लग रहा था कि 200 करोड़ का ये जो है घोटाला किया गया है छत्तीसगढ़ के तर्ज पर, क्या सचमुच में यहाँ पर ये घोटाला हुआ है? तो कह सकते हैं ये पूरा मामला जोड़कर देखा जा रहा है और जितने भी नाम लगातार सामने आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लगातार आरोप लग रहा था कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर यहाँ पर भी घोटाला किया गया है, जिस तरह से होलोग्राम कह सकते हैं बार कोड का सिस्टम लाया गया था यहाँ पर और छत्तीसगढ़ में यही प्रक्रिया चल रही थी और यही सेम जो है प्रक्रिया की गई थी दिल्ली में भी, और दिल्ली में भी जिस तरह से आपने देखा होगा कि लगभग इतने ही करोड़ का घोटाला का मामले सामने आया था और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का मामला सामने आया था जिसमें कई लोग गिरफ्तार हुए थे, कई खुलासे हुए थे। तो वही एंगल से जोड़कर, क्योंकि जो कंपनी ने यहाँ पर टेंडर लिया था वही कंपनी छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह के टेंडर में थे, शामिल थे, तो उस एंगल से पूरा जोड़ कर देखा जा रहा है और जितने भी लोग हैं इसमें शामिल हैं और जिन्होंने अलग अलग जिलों में टेंडर लिया था उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और तथ्यों को खंगाला जा रहा है और मामले को ये कह सकते हैं कि उजागर करने की कोशिश की जा रही है, क्या सच में शराब घोटाला हुआ है। तो कह सकते हैं बड़ी कार्रवाई है और ईडी फिलहाल जो है लगातार छापेमारी कर रही है, अंदर तथ्य को खंगालने की कोशिश कर रही है। जी काजल जी, जिस तरीके से रांची, धनबाद, दुमका, गोड्डा सहित 32 ठिकानों पर ईडी एक साथ दबिश दे रही है और रांची में मंत्री के यहाँ पे भी दबिश दी है, लगातार ईडी सक्रिय है और काफी बड़ी कार्रवाई चल रही है। इस पर आप लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी नीरज लगातार जुड़े हुए हैं वित्त मंत्री रामेश्वर राव की आवाज से, वो आप तक लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। अभी ईडी की टीम अंदर है, अभी छापेमारी चल रही है, नीरज हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। नीरज, जो इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। एशविल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशविल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।